उत्तर प्रदेश में 27,764 स्कूलों पे, प्राइमरी स्कूलों पे ताला लटकने वाला है। एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक आदिवासी के बच्चों के भविष्य पे ताला लटकने जा रहा है। देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता उछलता है। जंग मैदान पे नहीं मीडिया पर जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 27,764 स्कूलों पे, प्राइमरी स्कूलों पे ताला लटकने वाला है। सोचिए, 27,764 स्कूल कोई मामूली नहीं होते हैं। आखिर इन स्कूलों पे ताला लटकने क्यों जा रहा है, इसके पीछे की मैं वजह बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं बताऊँ, ये 27,764 स्कूलों पे ताला नहीं लटकेगा, जबकि एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक आदिवासी के बच्चों के भविष्य पे ताला लटकने जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार है। इंजन हमेशा से फेल होता है तो कहीं ना कहीं कड़ा प्रहार शिक्षा पर करता है। और आज जिस तरह से प्राइमरी स्कूलों को बंद करने को लेकर बड़ा तहलका मचा हुआ है पूरे देश भर में, बहन मायावती जी भी उसको लेकर ट्वीट कर रही हैं और वो कह रही हैं कि ये जो फैसला है वो गलत है। गरीब के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। उससे पहले मैं बता दूँ कि जो देश में एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक आदिवासी के जो बच्चे होते हैं वो प्राइमरी स्कूलों में जाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। अब उनके भविष्य को लेकर खतरा बढ़ गया है। सवाल है कि क्यों प्राइमरी स्कूल ये सरकार बंद करना चाहती है। इनका कहना है कि 50 के कम बच्चों वाले जो स्कूल हैं उसमें ताला लगा दिया जाएगा। और उनकी आंकड़ा है 27,764। सवाल है कि प्राइमरी स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं, इसमें एससी एसटी ओबीसी के बच्चे पढ़ते हैं। और ये हमेशा से जो सरकार है वो सवाल विरोधी रही है, ये सवाल नहीं सुनना चाहती हैं। और इनको पता है कि जब ये बच्चे पढ़ेंगे तो सरकार से सवाल करेंगे। इनको पता है कि जब सवाल करेंगे तो संविधानिक बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। जब संविधान की बात करेंगे तो संवैधानिक हक अधिकार की भी बात करेंगे। और इनके मंदिर मस्जिद, जो हिंदू मुस्लिम का जो इनका एजेंडा है वो बंद होगा। और रोटी कपड़ा मकान स्वस्थ शिक्षा रोजगार के बारे में ये बच्चे बात करने लगेंगे। इसके पीछे की तमाम वजहें बताई जा रही हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं, ट्विटर पे भी लिख रहे हैं कि क्या इसके पीछे की वजह है। मैं कुछ लोग कह रहे हैं कि गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो रोजगार मांगेगा, धर्म के दंगे में नहीं जाएगा। क्या लग रहा है कि ये जो सरकार है ये रोज़गार तो देने में पहले ही विफल नज़र आ रही है। अब स्कूल को इसलिए बंद कर रही है ताकि ये धर्म के धंधे में आ सके, धर्म के दंगे में जा सके, इसलिए स्कूल बंद किया जा रहा है। वहीं बसपा प्रमुख बहन मायावती जी का बड़ा बयान है, आप सुनिए। उन्होंने बड़ा ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 प्रसिद्धि माध्यमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के बजाय जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने का उपाय करना चाहिए। यूपी व देश के अधिकतर राज्यों में, खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है। इस कारण गरीब परिवार के करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा तो दूर सही शिक्षा से भी लगातार वंचित हैं।
उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार द्वारा कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का भी फैसला अनुचित है। सरकारों की इसी प्रकार की गरीब व जन विरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग निजी स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं। जैसा कि सर्वे से स्पष्ट है लेकर सरकार द्वारा शिक्षा पर समुचित धन व ध्यान देकर इनमें जरूरी सुधार करने के बजाय इनको बंद करना ठीक नहीं है। तो दूसरी तरफ सरकार का कहीं ना कहीं ये इशारा भी है कि संसाधनों के अभाव में सरकारी स्कूल का ये हालात नज़र आ रहा है, क्योंकि उनमें संसाधन न होने के वजह से जो बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो इन स्कूलों में, जो प्राइमरी स्कूलों में, परिषदी स्कूलों में नहीं जाते हैं, लेकिन जो आज भी गरीब के बच्चे हैं वो उन्हीं स्कूलों में जाकर शिक्षा दीक्षा लेते हैं। तो जो सरकार है वो इन गरीबों, मजलूमों, SC ST OBC अल्पसंख्यक आदिवासियों के बच्चों को भविष्य पे ताला लगाने का एक नया तरीका अपना लिया है कि 50 से कम जल्द ही प्रदेश सरकार ताला लगाएगी। आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।